तो पहले बच्चों देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ सिस्टम हैज टू चार्ज QA 2.5 into 10 by minus 7 कूलम एंड द QB इक्वल टू माइनस का 2.5 into 10 by minus 7 लोकेटेड एट पॉइंट ए 0.00 माइनस 15 सेंटीमीटर एंड पॉइंट बी बेटा आपका कहां पर है 00 प्लस के 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो आपका देखो यहां पर क्या है, ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है, ये बेटा आपकी वाई एक्सिस है और ये बेटा आपकी जेड एक्सिस है और ये बेटा क्या देखो इसका माइनस का जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जो आपका क्यू ए चार्ज है वो बेटा कहां पर है पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए बेटा कहां पर है इस पॉइंट पर नीचे डायरेक्शन पे, क्योंकि ये जीरो है, ये जीरो मतलब ये जीरो है और ये बेटा क्या 15 है ना, यहाँ पर बेटा क्या आपका क्यू ए यहाँ पर सिचुएटेड है और बेटा इसकी वैल्यू हमको गिवन है 2.5 into 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। और जो बच्चों जो आपका B है ना, QB बेटा कहाँ लोकेटेड बेटा आपका है दिस पॉइंट पर और बेटा इसकी वैल्यू यहां पर है QB की माइनस का 2.5 into 10 की पावर माइनस का 7 कूलम, ये बेटा आपको याले याले गिवन है। तो चलो अब बेटा हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज, हमको टोटल चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज बेटा क्या होगा आपका क्यू ए प्लस क्यू बी। तो देखो क्यू ए बेटा कितना आपका है, क्यू ए आपका है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, माइनस का बेटा क्यू बी कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, तो देखो इससे कैंसिल हो गया बेटा आपका, तो टोटल चार्ज बेटा आपका आ गया जीरो। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज बेटा कितना होगा जीरो होगा। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब हमको P निकालना है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है Q into 2L। तो देखो ये भी देखो क्या है माइनस, ये आपका 2.5 10 पर माइनस 7 है, ये कितना है माइनस का 2.5 10 पर माइनस 7 कूलम है ना, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा तो बेटा यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं कितना आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 2L। तो 2L क्या होता है कि QA और QB के बीच के डिस्टेंस, QA और बेटा QB के बीच के डिस्टेंस बेटा कितनी देखो हम गिवन है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30/100। तो जब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना, जैसे ही बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर यहाँ पर आता है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा बेटा आपकी 25 या 75, 75 बटे 100 इंटू 10 पर माइनस के 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ठीक तरीके से लिख देते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 कूलम मीटर होती है। तो ये बेटा आपका हो गया डाइपोल मोमेंट का, तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई 7.5 इंटू 10 पर माइनस 8 कूलम मीटर। और बेटा डायरेक्शन क्या होगी, जो आपका डायपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है, बेटा क्या होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो देखो माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, जो चार्ज आपका ऊपर है माइनस का है बेटा, नीचे चार्ज बेटा आपका प्लस का है, तो डायरेक्शन बेटा क्या होगी अलोंग, तो डायरेक्शन बेटा क्या होगी इसमें अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, बहुत सिंपल सा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए।